नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने से भी कम का वक्त बचा और सियासी जंग का मंच अब सच कर तैयार हो गया। सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने यूपी में फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर तारीफ की। कोरोना से लड़ाई में भी यूपी सरकार ने जो काम किया उसकी पीठ भी थपथपाई। वहीं विपक्ष भी अब अपने अपने तरीके से सियासी लड़ाई लड़ना शुरू कर चुका है। समाजवादी पार्टी ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से गठबंधन के बाद ओवैसी भी यूपी में शहर शहर घूमने लगे हैं, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी और इस बार कमान गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका लगातार 2019 से यूपी में कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने की भरसक कोशिश कर रही हैं और इस बार के चुनाव में उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक में प्रियंका गांधी की भूमिका अहम होगी और प्रियंका गांधी के इस दौरे से मिशन यूपी का भी आगाज कांग्रेस करने जा रही। सभी सियासी दलों ने अपने अपने दिग्गज मैदान में उतार दिए हैं। आज हम इसी पर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे कि ओवैसी क्या वाकई बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे या ओवैसी और राजभर का गठजोड़ बाकी अन्य दलों का जो खेल है वो बिगाड़ेगा। प्रियंका आएंगी क्या पार्टी के अच्छे दिन लाएंगी, ये भी सवाल होगा। चलिए हम 5 तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे और सवाल भी हमारा यही होगा। सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी प्रियंका कितनी असरदार होंगी, क्या यूपी में प्रियंका कांग्रेस के अच्छे दिन लाएंगी, ओवैसी चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका बनाएंगे, अपना बनाएंगे या किसी और का बनाएंगे, चर्चा इस पर भी हो रही। समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी का कितना मुकाबला कर पाएगी और क्या 2022 में जो बीजेपी का एक बार फिर से नारा है अब की बार 300 पार, वो नारा वो सपना पूरा हो रहा है या हो सकता है, यह भी दिलचस्प होगा। लेकिन इन 5 तस्वीरों के जरिए आप सियासत और सियासत के लिए जो मंच सजा हुआ है, जो मंच सजने वाले हैं भविष्य में, उसका अंदाजा आप लगाइए। जो सबसे प्रमुख है, मोदी योगी की जोड़ी कमाल करेगी क्या, आप देखिए जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे काशी में तो वहां पर परियोजनाओं की झड़ी लगा दी गई, जिनका काम पूरा हो गया उसका उद्घाटन भी हुआ, कुछ और के लिए शिलान्यास की प्रक्रिया आगे बढ़ गई और वहीं से एक तरीके से आगाज भी कर दिया गया उत्तर पूर्व के चुनावों के लिए। लेकिन बाकी तस्वीरों को भी आप देखिए और समझिए। मिशन यूपी पर 16 तारीख से प्रियंका आने वाली है, लगातार वो सक्रिय रही है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, लेकिन कितना मजबूत हुआ संगठन यह सवाल खुद उनके सामने है। किसका खेला करेंगे या खेला बिगाड़ेंगे ओवैसी और राजभर, यह भी सवाल है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सड़कों पर निकल आई है, साइकिल जो इस वक्त हर्राटा भरने की कोशिश कर रही है, अब उसके जो कार्यकर्ता हैं वो पैदल इस वक्त सड़कों पर हैं और किसका होगा 2022, नाव पर सवार होकर निकलेंगे जो चुनावी नैया होगी वो किसका बेड़ा पार लगाएगी, ये सबसे दिलचस्प सवाल होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा गजब का चुनाव होता है, दिलचस्प चुनाव होता है और ना सिर्फ उस पर पूरी देश की बल्कि पूरी दुनिया की निगाह होती है और देश के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी दौर में, क्योंकि वहां से अगर आपको अच्छा एक बहुमत मिल गया, एक अच्छी संख्या मिल गई तो दिल्ली का रास्ता आपके लिए अपने आप आसान हो जाता है, 50% से ज्यादा काम हो जाता है। अब यहां पर सभी पार्टी और उनके नेता अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति तो बना रहे, लेकिन जनता का मिजाज क्या है, जनता किसके काम से खुश है या किसमें अपना भविष्य देख रही है, कौन किसका खेल बिगाड़ने की स्थिति में आ रहा है। क्योंकि यहां पर आप देखिए बीएसपी भी है, लेकिन मायावती की पार्टी का क्या इस वक्त अस्तित्व रह गया और कितना वो मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगी, ये भी उनके लिए रणनीति और चुनाव के हिसाब से उनके लिए चुनौती होगी। लोगों की निगाह, उनको चाहने वाले, उनसे जुड़ने वाले, वो उनको भी समझना चाहते हैं। ओवैसी जब यहां पर लौट कर आए हैं तो क्या वो वाकई बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे या बीजेपी के लिए नुकसानदायक होंगे, अगर नुकसानदायक होंगे तो फायदा किसको पहुंचाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब्बास हैदर साहब नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं और कपीश श्रीवास्तव नेता सपा के जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का। मामेदा नागर हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की बहुत जल्द जुड़ेंगी। शुरुआत में अब्बास हैदर आपसे कर रहा हूं, प्रियंका आएंगी क्या कांग्रेस के अच्छे दिन लाएंगी, क्योंकि ओवैसी तो आ गए, देखिए ताबड़तोड़ अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और राजभर साहब का उनको साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए सड़क पर डट चुकी है, मोर्चा खोल चुकी है।
देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पे बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है और प्रियंका गांधी जी के आने से, प्रियंका गांधी जी तो हमारे बीच में हमेशा से थी पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सहारनपुर रहा हो, चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो, संभल रहा हो, बिजनौर रहा हो, सब जिलों में वो जाती रही हैं। और उत्तर प्रदेश सिर्फ लखनऊ ही नहीं है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद और नोएडा तक है। तो लखनऊ का उनका ये जो दौरा है, यहाँ पे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, नेताओं से मिलेंगी, सबसे बात करेंगी। और ये जो उनका दौरा है, ये हमारे कार्यकर्ताओं में दुगनी ऊर्जा फूकेगा, उनकी ऊर्जा को बहुत मजबूत करेगा। और कांग्रेस पार्टी ने, आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में अपने 59,000 जो है ग्राम सभाओं में अपने जो निकाई है अपनी वो मजबूत बनाई है अपनी, उसके अलावा जो न्याय पंचायत है, ब्लॉक है, उस स्तर पे कांग्रेस पार्टी अपनी जो संगठन है उसको मजबूत कर रही है। और प्रियंका गांधी जी का ये लखनऊ का दौरा, कार्यकर्ताओं से मिलना कांग्रेस पार्टी को दुगनी मजबूती देगा, मेरा ये मानना है। लेकिन ओवैसी का आना वो किसके लिए फायदेमंद होगा? ठीक है, आपकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना गठबंधन है, सब अपना है, लोकतंत्र में अपने अपनी रणनीति बनाते हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है जैसे आपका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका सक्रिय होना आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान आपको हो सकता है? नहीं नहीं देखिए, ओवैसी तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज जी को यहाँ पे कोट करूंगा, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब हम कमजोर होते हैं तो हम ओवैसी को ले आएंगे। तो ओवैसी का यूपी में आना ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, और इसलिए ओवैसी जो से जो उनकी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको लाने के लिए ये मजबूर हो गए। और जो हाल इनका और राज्यों में हुआ है पूर्व में, जो हम लोगों ने देखा, वही हाल उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी जी का होगा, क्योंकि ओवैसी जी देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे विचारों में विश्वास नहीं रखती, और मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की आवाम, जो हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल नकारेगी, ऐसे लोगों को वोट तो बिल्कुल नहीं देगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही मानना है आपका, जनता बहुत समझदार होती है, जिनके लीडर पर भरोसा ना हो तो उनको कभी नहीं चुनती है, जिनके संगठन पर मजबूती ना दिखे, संगठन की मजबूती ना दिखे तो उनको बिल्कुल नहीं चुनती है। शायद इसी वजह से कांग्रेस को भी अभी इस वक्त विषम स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य के लिए आपकी तैयारी हो, इसके लिए आपको शुभकामना, यह आपका अधिकार भी और आप लोगों का कर्तव्य भी है एक पार्टी होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते। लेकिन कपीश भाई, साइकिल की रफ्तार सड़क पर उतर कर मिल रही है धार। देखिए, समाजवादी पार्टी तो संघर्षों की पार्टी रही है और आंदोलन में ही समाजवादी पार्टी का जन्म। समाजवादी पार्टी ये कोई पहला प्रदर्शन तो कर नहीं रही है, ये तो हमारे खून के अंदर है, हमारे सांसों के अंदर है कि हम जन भावना का प्रदर्शन हमारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी करती है। आज अगर महंगाई की मार है, अगर आज योगी राज में अत्याचार है, और आज अगर पेट्रोल और डीजल का दाम कहां से कहां पहुंच गया, खाद्य तेल कहां पहुंच गए, 12% की महंगाई केवल इन 3 महीनों में बढ़ चुकी है, तो निश्चित रूप से जन समस्याओं को लेकर के लड़ना सत्ता के विरुद्ध, ये हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। और योगी जी की और की सरकार का ये काम है कि वो हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, हमारे ऊपर लाठियां बाजे, हमारे सर खोले, हमारे टांके, तो वो उनको प्रशंसनीय कार्य है, वो अपना करते रहे। क्योंकि हम लोगों ने तो देखिए, जो यहाँ पे त्रिस्तरीय चुनाव थे उसमें डायरेक्ट चुनाव हमने जीते थे और बाकी हमारे सर खोले गए, मुकदमे लिखे गए, सारी चीजें हैं, किस तरह के संविधान की हत्या की गई, कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक करीने से सिखाने वाली पार्टी, वो सिखा रही है देश को कि किस तरीके से तानाशाही पूर्वक रवैया अख्तियार करके महंगाई भी बढ़ाई जाती है और चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान और सेना के पीछे जाकर कैसे जीते जाते हैं, वो भ्रम फैलाने की वाली जो पार्टी है, ये हमारे लिए चुनौती है, इसका ही सही से हमें सामना करना, बाकी तो इन्होंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रखा है। एक चीज मैं आपको आज कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज योगी जी की बहुत तारीफ, और ये तारीफ बनती है इसलिए भी बनती है कि बेचारे करते क्या, क्योंकि बाकी हाथ पर सारा हिला के देख लिए, कोरोना काल में विफलताओं को लेकर के हर्षवर्धन जी को भेंट चढ़ा दिए, उत्तराखंड की सरकार 2 बार भेंट चढ़ा दिए वहां के मुख्यमंत्री को, लेकिन बेचारे इन पर कर नहीं पाए, बेचारे मजबूर व्यक्ति थे। और आज आप देखिए, उन्होंने बेचारगी अपनी जताई है, जहां 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वो बनारस के लिए लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश को उन्होंने खाली हाथ रख दिया, तो ये पहले ही स्पष्ट कर देता है। और उन्होंने ये बात शायद इस वजह से भी उनको योगी जी की बुरी लगी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट से, ट्विटर अकाउंट से
बाकायदा मोदी जी की फोटो गायब, बाकी अन्य प्रदेशों में जहां इनकी 16 राज्यों में चुनाव, 16 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, अतुल भाई सब जगह फोटो, तो ये कोई नहीं जानता क्या, सभी जानते हैं। और एक बात और भी है, जिस तरीके से राजनीतिक मंचन उन्होंने किया चुनाव के प्रचार में, अभी से उतर गए, उससे जनता वाकिफ है, चाहे वो कोरोना काल के बारे में बड़ाई किए हो, हम लोग को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को इनके ऊपर भरोसा नहीं, हाईकोर्ट ने कह दिया ये जीनोसाइड करते हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे है, तो वो सारी चीजें सामने आई। जिस माँ गंगे की बात करते हैं, उस माँ गंगे में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने नोचा है, 2000 से ज्यादा लाशें भरी, राम नामी चादर कफन से खींचे गए हैं, जेपीसी से खोट करके छत विच्छत करके शरीर जो है वो उसका अंत्येष्टि की गई है, तो वो पूरा देश देख रहा है मोदी जी के। ठीक है कमीश भाई, बिल्कुल पूरा देश देख रहा है, और आपके साइकिल की रफ्तार और आपकी रणनीति भी पूरा देश, या कहें कि देश नहीं बल्कि प्रदेश जरूर देख रहा है, लेकिन मोदी जी आपको बेचारे दिख रहा है इस पर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है, और बेचारगी में उन्होंने योगी जी की तारीफ की इस पर और हैरानी हो रही है। हमारे साथ आनंद दुबे साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका। अब्बास हैदर है नेता कांग्रेस के, उनका कहना है कि प्रियंका आएंगी मजबूती के साथ आएंगी और कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी, ओवैसी आपकी बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप लोगों ने जानबूझकर उनको उतारा है। और समाजवादी पार्टी सड़क पर आ गई है, और आज प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में थे वहां पर वो परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, यानी वो पूरा हुआ होगा प्रोजेक्ट तभी उद्घाटन कर रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर ऐसा तो है नहीं, समाजवादी पार्टी के दौर में उसका शिलान्यास हुआ था, तो इस वक्त में वो उद्घाटन भी कर रहा है और कुछ शिलान्यास भी कर रहा है। लेकिन कपीश भाई का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कमी के वजह से प्रधानमंत्री को जानबूझकर तारीफ करनी पड़ी है क्योंकि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। आनंद भाई जी, देखिए कपीश जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अब ये किस चश्मे से जो है उत्तर प्रदेश को देखते हैं और अपनी जो हालत है उसको छोड़कर जो है दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, ये तो कपीश जी बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हर एक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है पिछले 40 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया, खास करके समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी ने ना रोजगार देने का काम किया, सिर्फ गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, लूट खसोट को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आतंकवाद, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने को बढ़ावा दिया, इसके बाद धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। अभी देखिए कुछ दिन पहले इनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या बयान आया, जब आतंकवादियों को लखनऊ से पकड़ा गया और पत्रकारों ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई लखनऊ में जो है एक कार्रवाई हो रही है आतंकवादियों के खिलाफ, तो उन्होंने कहा जी हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। तो आखिर इनको कैसे भरोसा होगा, इनको भरोसा जो है वो आतंकवादियों पे ज्यादा है, इनको जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उन पर भरोसा है, धर्मांतरण की इतनी बड़ी घटना जो है उत्तर प्रदेश में हुई इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। खैर इन बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में इनकी जब सरकार थी इन्होंने सिर्फ 2,05,000 सरकारी नौकरी दी थी, हमने जो है 4.5 लाख अब तक दे चुके हैं और दिसंबर तक 1 लाख नौकरी और देने का हमारा जो है वो वादा है। इसके अलावा इनके समय में जो बेरोजगारी दर थी वो 17.1% थी, आज 4.1% है। इनके समय में जो GDP थी उत्तर प्रदेश की वो सिर्फ 10 लाख करोड़ थी, आज 20 लाख करोड़ के आसपास है। हमारे इनके समय में जो अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की वो 2 लाख करोड़ थी, आज 5 लाख करोड़ है। इनके समय में मेडिकल कॉलेज की संख्या 10 थी, आज 30 होने जा रही है। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं जो इनको इनको जानकारी है लेकिन ये इसको छुपाना लेकिन लेकिन क्यों कपीश भाई कुछ कहना भी चाह रहे हैं, आनंद भाई क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कपीश श्रीवास्तव कि असल में प्रधानमंत्री को आज ही से चुनावी मोड में जाना पड़ा है, योगी जी की तारीफ करना इनको लगता है कि उनकी मजबूरी थी और उनकी बेचारगी थी। देखिए 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 हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व चीजों को लीड करता है और हम सभी लोग उसको जो है फॉलो करते हैं और उसके दिशा निर्देश पे चलते हैं, चाहे वो योगी जी हो चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो आदरणीय मोदी जी जो भी हमारे लिए दिशा निर्देश तय करते हैं हम उस हिसाब से चलते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है वो चुनावी मोड में उतर गए, प्रधानमंत्री जी जो है 25 बार से ज्यादा बनारस जा चुके हैं, ये करीब करीब 27वीं बार था उनका, तो वो कोई चुनावी दौरा नहीं करते हैं। इनके अखिलेश यादव की तरह वो घर में नहीं बैठे रहते हैं, बगल लखनऊ से आजमगढ़ की दूरी बहुत कम है, दिल्ली से बनारस बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को आजमगढ़ जाने में दिक्कत होती है। वहां के लोग जो है तस्वीर लेकर खोज रहे थे भाई अखिलेश यादव जी चुनाव जीतने के बाद कहां चले गए, तो कोरोना काल में जब ठीक है कपीश श्रीवास्तव प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो काशी के सांसद भी हैं तो उसके लिहाज से भी हो गए, लेकिन यहां पर मोटा मोटा जो आपने कहा कि बेचारगी झलक गई, कैसे झलक गई,
और उनकी तारीफ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी मजबूरी है? ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भी किया था, उनकी क्या मजबूरी थी? और आपको एक बात और वही बता दें कि पूरे विश्व के अंदर, तमाम अमेरिका के अंदर भारत सरकार के कोरोना की बुराई चली है। किस किस तरीके से इन्होंने स्प्रेड, डब्ल्यूएचओ में तारीफ भी चली है, बुराई भी चली है, जहां पर गड़बड़ी दिखी उसकी खिंचाई भी चली है, लेकिन तारीफ भूल गए आप, सिर्फ खिंचाई और बुराई। अतुल भाई आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं इस बात को कि जो आंकड़े आप यहाँ से नकली बना के प्रेषित करेंगे उसी पर मैं डब्ल्यूएचओ देखेगा। और इन्होंने सच्चाई कहां पर बताई? ये सच्चाई बताए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और वो भी बयान हल्फी पे कि हाँ साहब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हाँ साहब हमारे यहाँ दवाई की कमी है, हम वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं और हमने कम टेस्ट कराए। क्या ये 11 मई को इन्होंने बयान हल्फी नहीं दी थी? और वो भी तब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि हम नोडल अधिकारी के रूप में अपने तमाम जिला न्यायाधीशों को बनाने जा रहे हैं, तब इन्होंने अपनी कड़वी सच्चाई को उसको बोला। क्या ये रिपोर्ट नहीं आई है कि इन्होंने मृत्यु के आंकड़े 43 गुना कम स्वीकार किए बताए हैं जो पोर्टल पे लागू किया? इन्होंने 3 शिक्षकों को माना कि कोविड की वजह से मरे थे और बाद में इन्होंने 1670 मांग लिए। तो देखिए ये झूठे लोग हैं, ये झूठी झूठ का प्रोपगंडा करने वाले लोग हैं, ये भ्रम फैलाने वाले लोग। अभी ये कह रहे थे 30 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, कहां बना रहे हो भैया? आप जरा बता दो, मैं 5 बता, चलो आनंद भाई 5 बताओ, आनंद दुबे जल्दी से 5 बता दो। देखिए मैं इनको बता रहा हूँ, इनके जो आरोप हैं वो टोटली निराधार है, ठीक है? ये कपीस भाई आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? पांच मेडिकल कॉलेज बताइए, मैं आपको बताता हूँ 5 मेडिकल कॉलेज की बताता हूँ। गूगल में लग गए, गूगल मत कीजिए, 5 मेडिकल कॉलेज बताइए। मैं आपको बताता हूँ, आप चिंता न करिए, मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ, ठीक है? लेकिन सबसे पहली चीज आप सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री जी से कोई लेना देना नहीं है। यही मैं आपसे कह रहा था कि ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। अरे गोरखपुर का जो एम्स आपने दिया उसकी सच्चाई जानेंगे? मैं बताऊं, एम्स गोरखपुर और रायबरेली दोनों जगह शुरू हो चुका है कपीश जी, आप जाके मैं तो जान बूझ करके गोरखपुर का जिक्र किया हूँ ताकि मुझे आपकी पोल खोलने का अवसर मिल जाए। अब मैं पोल खोल लू, आपने 11 एम्स की जो घोषणा की थी उसमें केवल 3% धन मुहैया कराया, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास बिल्डिंग नहीं है, किसी के पास खाली वाय चलना है तो भर्ती करने की जगह नहीं है, किसी के पास भर्ती करने की अगर जगह है तो वहां पढ़ाने की जगह नहीं है। किस बात का एम्स है भाई? गोरखपुर के अंदर 800 करोड़ रुपए की जमीन समाजवादी पार्टी के नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 3 घंटे के अंदर बैनामा करके दी थी और आपने 415 करोड़ रुपए से आप उस पर मिली एम्स लगा रहे हैं, क्योंकि एम्स एक्ट के अंदर लिखा है कि कम से कम एम्स के लिए 220 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। आप जो गन्ना छोड़ संस्थान को किनारे करके पिपराइस में आपने प्रेषित कराया उसके भी पैसा आपने नाजायज खर्चा किया। आप 106 एकड़ की जमीन में आप बना रहे हैं एयरफोर्स के पास, जहां पर आप 13 मंजिल बना नहीं सकते, केवल 20 अनुभाग आपके स्वीकृत हुए हैं, 22 अनुभाग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, ये आपका मिनी एम्स है। आपको खुटान में जमीन मिल रही थी, 240 एकड़ की जमीन दी जा रही थी, तो योगी जी का वहां बगल में पीजीआई गोरक्षनाथ बाबा के नाम पर प्राइवेट बन रहा है, तो उन्होंने बालापार में अपनी पीजीआई बनाने के लिए वहां की जमीन को पहले तो उन्होंने मुकदमे में फंसा दिया और बाद में वो हाईकोर्ट से भी हारे, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए और उसके बाद भी वो खुटान की जमीन नहीं लिए। जबकि सुनौनी, ठीक है, ठीक है कपीश भाई मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ। अब जरा मैं कांग्रेस के नेता के पास आ रहा हूँ, आनंद भाई आऊंगा आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस के नेता पे बरसाते हैं, अब्बास हैदर, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी अपनी लड़ाई अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ेगी और बी टीम भी उसने उतार दिया, चलिए ये आरोप भी मैंने मान लिया। आपकी नेता आ रही है और संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा, ये भी मैंने मान लिया। समाजवादी और उसके साथ साथ बसपा, समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा भी है, ये दोनों भी मजबूती का उतना ही दावा कर रहे हैं। अगर सब मजबूत है तो कमजोर कौन है? मुझे तो लगता है कि सांगठनिक तौर पर शायद इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोरी आपकी ही दिख रही है। अतुल भाई, लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है, ये समय बताएगा कौन ज्यादा मजबूत है। और जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है,
तो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जीडीपी और बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि सीएमआई का डेटा है कि देश में पहली बार 11.3% जो है बेरोजगारी की जो दर गई है आज तक कभी नहीं गई है। 45 साल में सबसे ज्यादा लोग आज की डेट में बेरोजगार हैं। कोरोना भी दुनिया में पहली बार ही आया है, तो उसका असर तो पूरे देश में नहीं दुनिया पर भी पड़ा है, ये डेटा भी आपको जोड़ना चाहिए साथ। मैं आपको बता दूं, कोरोना से पहले -4% जीडीपी चली गई थी, आज तो करीब करीब -8 जा रही है सरकार, तो ये कोरोना से पहले ही फेल हो गए थे। कोरोना की बात करें, आज -8 जीडीपी है, +8 कांग्रेस टाइम ने छोड़ी थी। महंगाई इतनी ज्यादा है कि देश तराही तराही कर रहा है। आपको मैं एक डेटा बताता हूं कि 2014 में एक्साइज जो पेट्रोल डीजल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो 99,000 करोड़ रुपए थी, आज की डेट में 4,51,000 करोड़ रुपए एक्साइज वसूल रहे हैं। ये महंगाई का ये हाल है कि पिछले 2 महीने में 11 रुपए पेट्रोल में और करीब करीब 9 रुपए डीजल में बढ़ा दिए गए हैं। जब कोविड से देश मर रहा था, देश को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे आप, तो आप चुपके चुपके डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे थे, महंगाई बढ़ा रहे थे। आज हमारे देश में ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी इनके कुशासन के तरफ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है, मेरा सवाल फिर से आप सुन लीजिए। आप बता रहे हैं, अच्छी बात है कि बीजेपी से आपकी लड़ाई है, उनकी सरकार है, तो आप बिल्कुल गिनाएंगे भी कि क्या कमियां हैं और क्या वजह है कि आपको जनता के बीच में फिर से आना पड़ रहा है लड़ाई लड़ने। लेकिन समाजवादी पार्टी आपसे ज्यादा सक्रिय है, उसकी रणनीति क्या है? गठबंधन भी अब आपका हो चुका है, क्या गठबंधन फिर से करने की कुछ इच्छा है आपकी, या अकेले आप इतने मजबूत हैं? मेरा सवाल यह है, बीजेपी से तो आप लड़ी रहे हैं, सरकार में हुआ तो आप सबकी लड़ाई उनसे है, लेकिन आपस में और भी दल तो हैं, वो अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं, आपकी मजबूती क्या है? जनता है, जनता ही चुनाव में आपको नतीजा देगी, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि हम किस लिए चुने, संगठन कहां है? अतुल भाई, हमारा गठबंधन देश की बेरोजगार और आम जनता के साथ है। हमारा गठबंधन वो तो समाजवादी पार्टी का भी है, देश की जनता के साथ है, समाजवादी पार्टी का भी है। उत्तर प्रदेश की जनता की जो मूलभूत सुविधा है, जो उनकी समस्या है, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये तो जनता का अधिकार है कि वो किसको चुनना चाहे। ये तो आप किसी को वो नहीं कह सकते कि भाई आप नहीं चुने या हम ही चुने, ये तो जनता का अधिकार है, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। और देखिए, जहां तक ये जो और पार्टियां जो आ रही हैं सीजनल पार्टी, तो ये तो एक एजेंडे के तहत आ रही हैं। देखिए, इतना झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि आप समझ लीजिए WHO की भी इन्होंने झूठ बात उड़ा दी कि WHO ने इनकी तारीफ करी, जबकि WHO ने सिर्फ आंकड़े दिए थे कि किस किस तरह घर घर टेस्टिंग हो रही है, और WHO उसमें इनकी मदद कर रही है, इनको मॉनिटरिंग कर रही है, इनको ट्रेनिंग दे रही है, ये लिखा था, उसको इन्होंने बता दिया कि WHO ने तारीफ नहीं। अब मैं आप दोनों को जरा सही कर दूं, अभी कपीश भाई ने कहा था कि WHO ने तो तारीफ इसलिए की है क्योंकि इन्होंने जो आंकड़ा दिया था तो उसी के आधार पर तो करेगी, आप कह रहे हैं कि WHO ने अपने लोगों को इनके साथ लगाया था, दोनों में बड़ा भिन्नता हो गई। असल सच्चाई ये थी कि WHO के लोग भी और सरकार के लोग और साथ में जो निगरानी समितियां बनाई गई, तमाम तरह की चीजें की गई, उसमें उन लोगों ने आपस में सहयोग किया, जो कि एक प्रक्रिया होती है WHO की अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्रीज में। बहरहाल, सवाल इस बात का है आनंद दुबे साहब कि यहां पर कांग्रेस भी मजबूत है, बीजेपी की बी टीम भी मजबूती के साथ उतर रही है और समाजवादी पार्टी तो उतर चुकी है, तो मजबूत असल में कौन हो रहा है? 2022 में आपका नारा पूरा हो रहा है या जो आपने किया जनता आपको नकार रही है जैसा ये लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, इनका दावा 2017 में भी 2014 में भी ये लोग दावा कर रहे थे कि हम भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे, 2017 में भी दावा कर रहे थे, 2019 में भी दावा कर रहे थे, बाई इलेक्शन में भी दावा कर रहे थे, पंचायत चुनाव में भी कर रहे थे, हर जगह दावा कर रहे थे, और हकीकत क्या है आपके सामने है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कपीश जी ने कहा था कि गोरखपुर एम्स में कोई काम नहीं हो रहा, रायबरेली एम्स में नहीं काम हो रहा, तो मैं उनको बता दूं कि OPD वहां चालू है, कपीश जी को दिक्कत हो तो जाके अपना इलाज करा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, अयोध्या, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर में जो है वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सारे प्रगति पर है। तो ये चीजों को नकार कर जो है झूठ बोलकर टीवी पे इनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि पेट्रोल साहब बहुत बढ़ गया, मैं आपको बता रहा हूं 2009 में पेट्रोल जो है, जब 2009 की बात बता रहा हूं, पेट्रोल 40.62 रुपए था, और 2014 में ही जब इनकी सरकार थी तो पेट्रोल 72.41 रुपए हो गया, कुल मिला के 33 रुपए की बढ़ोतरी की इन्होंने 5 साल में। हमने 2014 से 2021 की बात बता रहा हूं, 7 साल में पेट्रोल जो है 94 रुपया हुआ और
मंत्री कितनी में 22 रुपया, यानी इन्होंने 5 साल में 33 रुपया बढ़ाया, हमने 7 साल में 22 रुपया बढ़ाया, ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा चलिए ये गैस सिलेंडर की बात करते हैं, आज गैस सिलेंडर जो है 8-8.5 रुपए के आसपास है। 11 दिसंबर इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाके देखिए, 11 दिसंबर 2013 को 1021 रुपए का गैस सिलेंडर था, 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए का गैस सिलेंडर था, 1 मई 2014 को 928 रुपए का एक गैस सिलेंडर था, और आज गैस सिलेंडर का दाम उससे कम है, और अब हम 2291 रुपए जो उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, उज्ज्वला पर 312 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। यह पहली सरकार है जिसने इतने बड़े पैमाने पर जो है शौचालय बनवाए गांव गांव, हमारे बहन बेटियां जो है खुले में शौच करने को मजबूर थी, किसी भी पार्टी का ध्यान इस तरफ नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई, हमने शौचालय दिया, घर घर शौचालय दिया, लोगों को आवास दिया, गांवों में सामुदायिक शौचालय दिए, हमने बेसिक चीजों पर ध्यान दिया जिससे गाँव के लोग महरूम थे। आप लोगों को सिर्फ आरोप लगाना आता है, और यही वजह है कि जनता आप लोग को बार बार नकार रही है। ठीक है, शैलेंद्र दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा, फिर लौटूंगा, ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी चलती रहेगी। सवाल यही, प्रियंका भी आने वाली हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे काशी में अपने संसदीय क्षेत्र में, उन्होंने अपनी तरफ से तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया और जो पूरी हो चुकी है उनका उद्घाटन भी हुआ। रणनीति किसकी मजबूत दिखती है? ओएसी भी है, राजभर भी है, समाजवादी पार्टी सड़क पर है, बीएसपी सन्नाटे में है, और कांग्रेस के नेता आने वाली है। देखिए अतुल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यदि मैं बात करूं आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज जो देखिए, कोई भी चुनाव किसी भी प्रदेश का आप लीजिए, हर चुनाव की अपनी अलग परिस्थितियां होती है जी। तो उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों का आप ये चाहें कि किसी और प्रदेश से तुलना करना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो अपर एज मिला हुआ है उसका कारण है क्योंकि उनका संगठन भी जो मजबूत है, जो कि 75 जनपद है, लगभग जो है सारे जनपदों में इवन ब्लॉक स्तर तक उनका जो संगठन काफी हद तक आज एक अच्छा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ जो तमाम लगातार ये चुनाव दर चुनाव जो है जो जीत कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। अब बात ये आती है कि 2017 में मान लीजिए जो भी इन लोगों ने जो प्रॉमिस किया, उन प्रॉमिसेस को कितना ये डिलीवर कर पाए हैं, उनको लेकर जो है जनता के बीच में ये पार्टी अगर जाती है तो उसमें जनता किस हद तक इनको समर्थन करती है वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरा जो आकलन है वो ये है कि विपक्ष के पास जो तुलनात्मक भाजपा के एक मजबूत जो आकलन या कहूं मैं रणनीति, वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप सिर्फ जो आरोप लगाकर चुनाव नहीं जीत सकते। और जैसा कि पहला कन्वेंशनल मोड होता था चुनाव का, जो पैटर्न होता था कि जाति आधारित होता था, अब उसमें जिस तरह से नया युवा वोटर जो साल दर साल ऐड हो रहा है तो उसमें काफी हद तक कमी आ रही है। आप ये देख सकते हैं, एक परिवार के अंदर पहले क्या होता था, मुखिया जहां कहता था वहीं पर जो परिवार के सारे सदस्य मतदान करते थे। बिल्कुल, आज के समय में ऐसा नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि ये कॉम्बिनेशन है, मतलब कोई एक मुद्दा जो है नहीं होता जिसके आधार पे आप ये कह सके कि फलानी पार्टी चुनाव जीत लेकर आ रही है, ऐसा नहीं है। आपको समावेशी चीजों का विश्लेषण करना पड़ेगा, आपके पास एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता होनी चाहिए, आपके पास एक कार्यक्रम होना चाहिए, और आपके पास जो है कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक उसमें डिलीवरी होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर आज के परिदृश्य में देखूं तो भाजपा को अपर एज मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, इसका जवाब भी मैं लूंगा। जो राजनीतिक विशेषक कह रहे हैं शैलेंद्र दुबे साहब की जो एज है वो तो फिलहाल बीजेपी का है, लेकिन आखिरी जो चुनाव होता है फिर उसमें जनता ही तय करती है। विपक्ष यहां पर सिर्फ आरोपों के आधार पर अगर अपनी रणनीति बना रहा है तो उसको भी विचार करना होगा कि सिर्फ आरोप लगाने से चुनाव नहीं जीते जा सकते, और सिर्फ आरोप लगाकर उन्होंने चुनाव जीतने की अगर कोशिश की थी तो उन्होंने 2 चुनाव में पिछले देखा है कि उनको इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। कपीश भाई, सीधा सवाल आपसे ही, आपके सवाल का कि कितने मेडिकल कॉलेज, उसका जवाब तो दे दिया है आनंद भाई ने, लेकिन सवाल यह भी है कि सिर्फ आरोप लगाने से आपकी रणनीति बनेगी क्या? ठीक है, आप सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन आप कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, विपक्ष की यह भूमिका है, जिम्मेदारी भी है लोकतंत्र में, लेकिन एकदम से आकर इतने आरोप लगाकर आपको लगता है कि जीत भी मिल जाएगी? नहीं, आरोप लगा करके जीत क्यों करें, हम इन्हें अभियुक्त थोड़ी ना बनाए, हम तो दोष सिद्ध कर देंगे। किस वजह से कह रहे हैं कि हम
जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने संकल्प पत्र का वादा कहा था उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था ना कि बेरोजगारी दूर करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि यहाँ पे सरकारी नौकरी की कोई कमी नहीं है, यहाँ योग्य लोगों का अभाव है, ये कहा था उन्होंने, उनका स्टेटमेंट है। तो मैं एक चीज कह रहा हूँ कि अब अयोग्य लोगों ने मिल करके एक योग्य मुख्यमंत्री चुन दिया था, और उसके तत्काल बाद आपको याद होगा कि बहुत बड़ी संख्या में यूथ बाहर निकल के आए मोमबत्ती लेकर के नौकरी के लिए, उन्होंने प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन था। उसके बाद मुख्यमंत्री की अमेरिका तक दिलवाने लगे नौकरी। अब आप सोच लीजिए, चक्कर ये है कि ये झूठ और अफवाह फैलाने वाली पार्टी 1 लाख की नौकरी सुनिश्चित ना कर सकी, सारी नौकरियां फंसा दिया ले जाकर के इन्होंने न्यायालय में, किसी का पेपर लीक करा दिया तो किसी का रिजल्ट में 4 क्वेश्चन जानबूझ के गलत कर दिए, ओबीसी कोटे के अंदर कहीं ना कहीं समीकरण फंसा दिया ताकि सब सुप्रीम कोर्ट में फंसे, ये है इनका असल चार चरित्र चेहरा। और जहां विश्वविद्यालयों में इन्होंने नियुक्तियां की उसमें देख लीजिए कौन लोग सबसे ज्यादा है, योगी आदित्यनाथ जी जो है वो तो हमारे गोरखपुर मठ के मठाधीश है, लेकिन अजय सिंह विष्ट जी जो शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री की, वो तो एक क्षत्रिय है शुद्ध, उन्होंने क्षत्रियवाद किया खुल करके, और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, जो 200 लोग उनके खिलाफ धरना दिए थे उनमें से एक देवमणि द्विवेदी जी है, सुल्तानपुर के एक जो है हरदई के नेता है, बकायदा उन्होंने पूरी क्षत्रियवाद यादववाद ये वादा पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आनंद भाई को आने देते, आनंद भाई आनंद दुबे ये तो दोष सिद्ध किए दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आरोपी थोड़े ना है कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम तो दोष सिद्ध किए दे रहे हैं, इनका जातिवाद बता रहा हूँ। किस तरह से शिवपाल यादव, सुने सुने कपीश भाई आपने बोल लिया, आप उनकी बात सुन लीजिए फिर बोल लीजिए। किस तरह से SDM की नौकरी में एक ही जात के 58 लोगों को जो है वो परीक्षा पास कराया जा रहा था, ये पूरा प्रदेश जानता है, और ओबीसी के नाम पर जात के लोगों को वो निकाल दिए जाते थे, ये पूरा प्रदेश जानता है। ये कपीर जी यही वजह रही कि जाकर गलती से ओबीसी का सबसे ज्यादा अधिकार होगा, किसी ने आपने ओबीसी के सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी ने खाए हैं तो वो आपकी समाजवादी पार्टी है। कपीश भाई सुनिए भी, एक क्षत्रियवाद का तो जिक्र आपने कर दिया था, यादववाद का वो पूरा जो ब्यौरा दे रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है, सुन तो लीजिए, उन्होंने सुना ना आपको, आपके क्षत्रियवाद को सुना उन्होंने, यादववाद का भी पूरा ब्यौरा ले लीजिए ना, समाजवादी पार्टी आएगी तभी सुधरेगा, ठीक है, आपका दावा भी सही है, वो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी भाई, 300 पार का नारा पिछली बार आपने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था, इनका पूरा हुआ आपका नहीं हुआ, हो सकता है अगली बार हो जाए, जनता पर छोड़ी हो। शैलेंद्र दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, शैलेंद्र जी जो बात यहाँ पर हो रही है, जिस बात पर लड़ाई शुरू हो गई, क्या वाकई इस चीज को विपक्ष उस तरीके से समझ पा रहा है,
जैसा खुद हमारे साथ आनंद दुबे जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने पहले कमेंट में कहा था कि बीजेपी की रणनीति ये लोग बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं, वो जिस पिच पर खिलाना चाहती है लोग खेलने तुरंत पहुंच जाते हैं, इनको लगता है ये खेलने पहुंचे इनको ये पता नहीं कि उनको खिलाया जा रहा है वहां पर। और अभी ओवैसी की एंट्री अगर बीच में हो जाती है, भले वो कोई कहे कि वो बीजेपी की बी टीम है, उसका रोल कैसे आप देखते हैं बाकी पूरे विपक्ष के लिए जिसमें सपा भी है, बसपा भी एक दल है, कांग्रेस भी एक दल है? देखिए अतुल जी, ऐसा है, सबसे पहले तो जो विषय कबीर जी ने संदर्भित किया है मैं उसको जो है उस पर मैं अपनी बात रख दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भले ही अगर जाति विशेष को लेकर अगर जातिवाद था तो भाजपा के लोग इस बात को जो है कहकर उनके ऊपर आरोप लगाकर चुप नहीं बैठ सकते। बांदा जिले में एक विश्वविद्यालय के अंदर जो है जिस तरह से एक जाति विशेष की 15 में से 13 या 14 नियुक्तियां हुई है उस पर जो है आपको करेक्शन की आवश्यकता है। आप जो है इस तरह से जो दूसरे के द्वारा किए गए गलत तथ्य को लेकर आप अपने को जस्टिफाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात जो है जो आपने कही क्या हुए आने से वर्तमान में सरकार किसकी है, आप आईना किसको दिखाना चाहते हैं? अरे कपीश भाई आप सुन नहीं पाए, आप सुन नहीं, अरे कपीश भाई आप सुन नहीं पाए, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने तो गलत किया था इन्होंने भी कुछ किया है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे थे, आपने तो पहले गलती की थी उन्होंने बताया, थोड़ी गलती इन्होंने भी की है, उन्होंने उनका भी एहसास कराया, आप अपना गलत बौखला क्यों जाते हैं भाई? अरे कपीश भाई उन्होंने आप वाली गलती तो पहले वाली बताई है, इन्होंने अभी ताजा की है उसकी याद दिलाई है। बहरहाल चैलेंज जी अपनी बात पूरी करिए जी। अब आपने जो प्रश्न किया क्या ओबीसी के आने से समीकरणों में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो तमाम देश के अंदर जो रणनीतिकार हैं वो अगर ये समझते हो कि ओबीसी के आने से वोट का बंटवारा होगा तो मैं बिल्कुल जो साफ बोली से करेक्ट कर दूं, वो बड़ी भूल करने वाले हैं। भाजपा को आने वाला हर चुनाव चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो या देश का हो, भाजपा के लिए हर चुनाव बाइपोलर होने वाला है। मुसलमान चाहे प्रदेश का हो या देश का हो, जब से जो है जनरल इलेक्शन में भाजपा सरकार के द्वारा 3-4 बड़े फैसले लिए गए, चाहे ट्रिपल तलाक का डायल्यूशन हो या धारा 370 का हटाना हो या उसके बाद आपका राम मंदिर का निर्माण हो, तो इनके इन फैसलों के द्वारा एक मुस्लिम वर्ग के अंदर जो एक मैसेज गया है, तो भाजपा को यह समझने की आवश्यकता है कि मुस्लिम वर्ग जो है संगठित होकर भाजपा के खिलाफ ही वोट करने वाले, जहां पर सपा मजबूत होगी वहां पर सपा को वोट करेंगे, जहां बसपा मजबूत होगी वहां बसपा को वोट करेंगे, जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां कांग्रेस को वोट करेंगे। भाजपा के रणनीतिकार इस बात को बिल्कुल खुले तौर पर स्वीकार कर ले। अब मैं इस पर एक सवाल पूछता हूं, आपने बहुत अच्छी लाइन दी कि जहां सपा मजबूत होगी वहां सपा को करेंगे, जहां बसपा होगी वहां बसपा को करेंगे, जहां कांग्रेस होगी वहां कांग्रेस को करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी का क्लियर है फिर, जहां जहां मजबूत होंगे वो 3 हिस्सों में बटेंगे, तीनों की अगर अलग अलग सीटें आएंगी तो बीजेपी का तो शायद मुझे लगता है फायदा हो सकता है ना, ये रणनीति उनकी है। और अगर ट्रिपल तलाक का आप जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर छोड़ दीजिए बाकी मुद्दे छोड़ दीजिए, उस ट्रिपल तलाक में महिलाओं का भी रोल तो है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी कोई पार्टी मानने को तैयार नहीं थी कि महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने वोट नहीं किया बीजेपी को, जबकि ऐसा नहीं था, एक बड़ा परसेंटेज था उन्होंने किया है क्या? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जनरल इलेक्शन में जो है जो तमाम डेटा थे उनके बेसिस पर ये देखा गया कि एक बड़े जो है संख्या में उन्होंने मतदान किया, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो तमाम फैसले लिए गए उनसे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो सीए का जो मतलब फैसला किया था उसको लेकर जो तो तमाम जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, तो मैं ये कहता हूँ जो सच्चाई है उसके अनुसार जो है भाजपा को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव ले लीजिए, चाहे आप बिहार का चुनाव ले लीजिए, उन फैसलों के बाद जितने भी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं लगभग सारे चुनाव जो भाजपा के लिए बाइपोलर होने वाले, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो मुसलमान इस बात का चुनाव करेंगे कि भाजपा को हराने के लिए हमें मजबूत प्रत्याशी कौन, भाजपा को सिर्फ एक ही चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमें अपना हमारा वोट परसेंट 50% से ऊपर ले जाना पड़ेगा अगर भाजपा को एक अच्छी जीत लानी है तो हर विधानसभा में 50। चलिए ये बहुत अच्छी चीज है कि दिलचस्प है सबके लिए, 300 पार का नारा उनका पूरा होगा नहीं होगा, पिछली बार भी सारी पार्टियों ने नारा दिया था लेकिन उनका नारा पूरा नहीं हुआ, तो क्या अब उनके पास अवसर है? लेकिन शैलेंद्र जी एक कमेंट और उसके बाद मैं जाऊंगा जरा आनंद भाई के पास भी और अब्बास हैदर के पास भी। सवाल ये कि कांग्रेस की क्या भूमिका आप देखते हैं? अब्बास हैदर मानने को तैयार नहीं हो कर रहे हैं संगठन बहुत मजबूत है और प्रियंका जब आएंगी तो और मजबूत हो जाएगा और आखिर तो जनता को फैसला करना है, जनता किस आधार पर कांग्रेस के लिए फैसला करे?
देखिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का संगठन जो है मजबूत है, ये हास्यास्पद है और काल्पनिक है। चाहे आप टेलीविजन पर बैठ के भले ही जो है उसकी पैरोकारी कर ले, आपको वेस्ट बंगाल में चुनाव देखने को मिला जहां पर जो है 2016 के चुनाव में कांग्रेस अब जो लेफ्ट अलाइंस अपोजिशन की भूमिका में थे, लेकिन वहां के जब आवाम को लगा कि नहीं इनके द्वारा जो है विपक्ष की भूमिका जो है नहीं निभाई जा सकती, भाजपा के द्वारा संगठन को मजबूत किया गया, तो वहां भाजपा आज जो विपक्ष के रूप में पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव बाइपोलर ही होने वाला है। कांग्रेस को या ओबीसी को, इन लोगों को हो सकता है कि मतलब कुछ चंद सीटें जिन क्षेत्रों में इनके प्रत्याशी मजबूत हो मिल जाए, लेकिन इनको कोई बड़ी संख्या में फायदा नहीं पहुंचने वाला। अब्बास सैदा क्या कहेंगे इस पे? अतुल भाई देखिए, ये इनकी व्यक्तिगत राय है, मुझे नहीं पता ये कांग्रेस पे इन्होंने कितना कार्य किया। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 59,000 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस पार्टी ने अपना जमीन संगठन बनाया है और हमारे जितने फ्रंटल हैं उनको ब्लॉक स्तर पे मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अभी आपने देखे होंगे किस तरह के हम लोगों ने आंदोलन किए महंगाई के खिलाफ, तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है किस तरफ जा रही है और कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हो रही है धरातल पे। आप अगर बाहर निकल के देखें तो आप ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। दूसरा अतुल भाई, मैं आनंद जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ जो उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस को लेकर के कहा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये तो बताया कि 2009 से 2014 के बीच में कितनी बार पेट्रोल के दाम बढ़े, आपने ये नहीं बताया कि 43 रुपए 2009 में पेट्रोल का क्रूड ऑयल का प्राइस था और 2014 तक वो 105 रुपए पहुंच गया, और आपकी सरकार का एवरेज 2014 से अब तक का 42 रुपए का है क्रूड ऑयल का। तो जब क्रूड ऑयल के दाम घटे तो आपने रेट बढ़ाए 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी सिर्फ अभी कोरोना के टाइम में पेट्रोल में बढ़ाई, डीजल में बढ़ाई गई है, और 13 रुपए पेट्रोल में बढ़ाई गई है। तो आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, आपने अपना खजाना बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी के टाइम में अगर दाम बढ़े तो वो मजबूरी थी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे इसलिए दाम बढ़ाए गए। के समय में जो 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए गए तो उसको भी अभी भर रहे हैं। अभी आपने 4,51,000 करोड़ रुपए आपने सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से बढ़ा लिए, हमारे समय 99,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी थी आपने बढ़ा लिए, और ऑयल बॉन्ड अभी भर बॉन्ड के नाम ऑयल आपने जो 3 लाख करोड़ ठीक है। लेकिन अब्बास सैदा, एक चीज होती है ना, अपना खजाना, अपना किसी का खजाना भाई, सरकार का खजाना होता है, आप रहे या ये रहे, सरकार का खजाना होता है और जनता के लिए होता है। महंगाई और वो मुद्दा आपका बिल्कुल सही है, बताइए आनंद दुबे जवाब भी दीजिए, और उसके साथ साथ जो बात शैलेंद्र दुबे ने कही बहुत महत्वपूर्ण है, बाइपोलर ये फेस आपको करना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है। देखिए महंगाई पर मैं अब्बास सैदा जी को जवाब दे चुका हूँ और तेल पर भी जवाब दे चुका हूँ, मैं इनको ये भी बता चुका हूँ कि इन्होंने जो 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इश्यू किए तो उसको अभी तक भर रहे हैं, ठीक है। गलत आंकड़ा दे रहे हैं ऑयल बॉन्ड का, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इनको, अब शैलेंद्र जी की बात कहता हूँ। देखिये भारतीय जनता पार्टी वो किसी भी धर्म जाति समुदाय को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है और ना वो चुनाव में लड़ेगी। हम 25 करोड़ जनता के बीच में जाएंगे, हमने जो 5 साल में काम किए हैं उसको उनके सामने रखेंगे, हमारी केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका जो फायदा लोगों तक पहुंचा है, आम जन तक पहुंचा है, उसको साथ रखेंगे और हम सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि समाज का हर तबका भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक सोच वाली सरकार के साथ होगा और उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें बड़ी से बड़ी जीत हासिल होगी। कपीश श्रीवास्तव, सवाल इस बात का है जो कि शैलेंद्र दुबे साहब ने संकेत दिए, क्या यही रणनीति है समाजवादी पार्टी को, और इसीलिए एकला चलो और अकेले लड़ो बीजेपी से, इस पर आप लोग सहमत हो गए हैं? नहीं, एकला चलो अकेला लड़ो एकदम बिल्कुल नहीं। देखिए बहुत सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले से ही इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी बड़े दल के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन छोटे दलों के साथ हमारा गठबंधन भी होगा, उनसे तालमेल भी होगा और हम उनको सत्ता में अगर आते हैं तो उनको भागीदारी भी देंगे। और हमारा जो संकल्प है वो 350 का है और हमें निश्चित तौर से ये उम्मीद है जनता जो इस समय जिस तरीके से उसका स्नेह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल रहा है तो सरकार हम ही लेंगे। और एक बात रह गई इस बात की कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही 16 दलों के साथ रहती है, अब ये बात अलग है कि उन्होंने अपने सारे दलों को छल दिया अपने साथ के, उनके शिवसेना जो उनकी इतनी पुरानी थी वो चली गई, राजभर साहब बेचारे चले गए, पानी पी पी करके आशीर्वाद आनंद भाई को दिए, और उसके बाद आपने देखा कि अकाली दल भी चला गया। तो जिसकी पोच पकड़ के ये बड़े बनते हैं उसी की पोच सरकार देते हैं नीचे, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कवायत रही है। अब इनके साथ जो लोग करें, अभी देखिए निषाद पार्टी को इन्हें औकात दिखा दिए,
निषाद पार्टी को अवकाश दिखा दिया और बेचारे कपीश भाई ये देखिए उस पार्टी का अपना मसला है ना, उनके किससे बनती है नहीं बनती है। अब ऐसे तो जाएंगे तो फिर आपकी अपनी पार्टी में देखिए जिस चाचा ने उसको खून पसीने से सींचा वो पार्टी उनसे लेकर भतीजे अपने पास अकेले चले गए, होता रहता है, वो सब राजनीति में होता रहता है, जिसका जहाँ पर जो लाभ मिलता है वो रहता है साथ में। बात ये है कि यहाँ पर दो पार्टी का ये बीच की बात है, यहाँ पर यहाँ गठबंधन की बात है जिनके साथ इन्होंने किया, जिस गठबंधन से ये आगे बढ़े उसी को दांत लगा दिए। तो यहाँ पे तो दूसरी चीजें हैं, जिसको हमारी पार्टी की नीतियां नहीं पसंद, हमें एक शुद्धिकरण का यज्ञ करना तो हमने 2017 में किया, अगर आनंद भाई भी कर ले तो हम जाने, क्योंकि योगी जी पे भी 302 के मुकदमे हैं, इनके जितने मुख्यमंत्री पर भी मुकदमे रहे हैं और है वर्तमान समय में संघ 152 विधायकों पर है, जरा शुचिता का यज्ञ ये भी करके देते। आनंद दुबे वो छोटे दलों के साथ आपसे बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और आपके सामने चुनौती वो है जो शैलेंद्र जी ने कहा, हालांकि आप कह रहे हैं कि आप अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या वास्तविकता यही है कि मौजूदा दौर में जो सक्रियता बीजेपी ने दिखा दिया है, आरएसएस अलग से दिखा रहा है, आपका संगठन अलग सक्रिय हो गया है, उन्हीं चीजों को लेकर रणनीति बन रही है? देखिए समाजवादी पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है किसके साथ नहीं करती है उसका अपना फैसला है, भारतीय जनता पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी किसके साथ नहीं करेगी ये हमारा फैसला है। समाजवादी पार्टी इसके पहले चुनाव में भी गठबंधन करके अपना हर्ष देख चुकी है, शायद इसीलिए उसको लगता होगा कि अब बड़े दलों के साथ छोटे दलों के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गठबंधन जो है वो आपका निजी मसला है, लेकिन कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपने शासनकाल में चाल चलन रवैया रहा है और आज भी विपक्ष में होने के बावजूद भी जिस तरह से वो काम कर रही है तो जनता जो है इसको देख रही है, किस तरह से जो है अभी भी ये लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं इसको जनता देख रही है, किस तरह से ये लोग देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं इसको जनता देख रही है, ठीक है मैं जरा दोनों को रोक रहा हूँ। शैलेंद्र दुबे साहब जैसे आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी, एक कि सिर्फ आरोप लगाने से विपक्ष मजबूत नहीं हो जाएगा, दूसरा कि बीजेपी के सामने भी चुनौतियां क्या हैं और जो इस वक्त कई अलग अलग प्रकरणों के बाद कई फैसलों के बाद जो एक माहौल बना है उसके बाद समाजवादी पार्टी शायद उसका लाभ लेना चाहती हो, ओवैसी शायद उसका लाभ लेना चाहते हैं, यहां इन दोनों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग दलों के लिए आपको खुद क्या लगता है कि कितनी कठिन राह है उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 का चुनाव? देखिए मैं ये बड़ा साफ कर दूं कि भाजपा अगर ये सोचे कि नहीं हम जो है राजनीतिक मुद्दों को इन्वॉल्व करके और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है जीतने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रणनीति में चूक होगी। आपको प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको प्रभावी तौर पर सामने रखना पड़ेगा, आपको डिलीवरी की ही बात करनी पड़ेगी। अभी ठीक है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी अहम होता है लेकिन वो प्रदेश के चुनाव में उतना कारगर नहीं होने वाला। आपको बात करनी पड़ेगी कि 2017 में जब आप आए थे तो आपने क्या प्रोमिसेस किए थे उसके तुलना में जो है आपने क्या डिलीवरी दी है और आगे आप जो किस तरह से और बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि जनता जो है आज आपको किसी भी पार्टी को आप ये सोचे कि वो ग्रांटेड लेकर नहीं जो है चूंकि ऑप्शन नहीं है इस वजह से आपको ही रिपीट करने वाली है ऐसा नहीं है। हाँ इस बात का जरूर मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के अंदर कहीं ना कहीं एक जो गंभीरता है ये मैं तमाम टीवी डिबेट में इस बात का जिक्र करता हूँ चाहे वो वायदे करने को लेकर हो या आरोप लगाने को लेकर हो इसका अभाव है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही जो कमजोर पक्ष है। विपक्ष को ये चाहिए कि अगर मान लीजिए तमाम विश्लेषक कोई भी मतलब अगर इस तरह का आपकी कमियों को उजागर करता है तो आप उस पर अपना जो होमवर्क करिए बजाय उससे क्या है कि आप आरोप लगाने लग जाएंगे कि नहीं ये सत्ता पक्ष के समर्थन में बात करते हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि मान लो ऐसा विपक्ष हो जहां पर जो है सीटें कम से कम विपक्षी पार्टी के पास जो है 150 के ऊपर सीट हो, भाजपा की अगर सरकार भी बनती है तो 250 के आसपास हो या सपा की सरकार बनती है तो 250 के आसपास हो, तो कम से कम अंकुश रहना चाहिए। तो मेरा यही विपक्षी लोगों से भी ये आग्रह रहेगा कि आप जो है गंभीरता दिखाइए अपने आचरण में, टेलीविजन पर बैठ के सिर्फ आरोप लगाकर डिबेट में प्रवक्ता को हम हरा देंगे इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
आप हो सकता है फौरन भाई जो है ये तो कामयाब हो जाए कि जो लगे कि नहीं अब आपने अपने नेताओं को खुश कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं उनके दिलों में जगह बनाने के लिए आपको तार्किक बात करनी पड़ेगी और उसी के बेस पे जो है वोटर अपना फैसला डिसाइड करता है। ये पॉलिसी में करेक्शन की आवश्यकता है, मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, तो खासकर मेरा मैनपुरी जनपद है, मुलायम सिंह का ठीक जो है वो सीट है और नेबरिंग जो है जनपद है, तो मैं ये बता दूं कि आज के टाइम में जातिवाद जो है मुद्दा है लेकिन बहुत हद तक उस पर अंकुश लगा है। पढ़ा लिखा युवा जाति के बंधन में प्राथमिकता नहीं देता है, वो ये देखता है कि आप जो मेरी जरूरतें हैं, जो मेरे जो मुद्दे हैं उनको आप किस तरह से एड्रेस करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। ठीक है कपीश जी, कपीश जी बहुत जल्दी से संक्षेप में जवाब। हाँ अब्बास भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आऊंगा। बहुत सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवाद नहीं कर रही होती, धर्मवाद नहीं कर रही होती, तो क्या उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी और सदस्यों की इन्होंने लिस्ट जारी की थी उसमें जो है आगे जातियां और धर्म लिस्ट थी? आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी जातिवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं पूरे देश के इतिहास में कभी किसी पदाधिकारी के लिस्ट के साथ उसकी जाति नहीं लिखी गई, किसी भी पार्टी ने नहीं लिखी थी, लेकिन ये कवायद जो है मोदी जी योगी जी की सरकार ने शुरू की है। और आप सोच लीजिए ये स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में चीजें चल रही है, तो ये सारी चीजें हैं और ये इनको मानना चाहिए कि ये ठीक है। अच्छी बात है, मानना चाहिए, जो मानने लायक है जरूर माना जाएगा और जनता उसी को मानेगी जिसमें दम होगा। अब्बास सदर फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। अतुल भाई अभी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो बाढ़ हैं, एक झूठ और दूसरा ओएसी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि 3.5 लाख करोड़ के ऑयल बैंड जारी हुए जबकि 1,30,000 करोड़ के ऑयल बैंड टोटल जारी हुए थे, और वो भी जो है आप भी ऑयल बैंड जारी करके जनता को महंगाई से मार से बचा सकते थे, लेकिन आपने ये काम नहीं किया और आपने 3.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी में अपनी कमाई बढ़ा ली, लेकिन आप फैसले को क्यों पलट दिया जब आपको लगा 1,30,000 करोड़ आपने 3.5 लाख करोड़ अभी बोला, तो आप पहले जनता को। लेकिन अब्बास सदर अभी तो आपने बोला कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई एलिमेंट जारी नहीं हुआ था, आप कह रहे हैं 1,30,000 का है। बहरा 1,00,000 आनंद दुबे बहुत संक्षेप में फाइनल पॉइंट। आनंद दुबे देखिए कपीश जी ने अभी कहा, मैं कपीश जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी का आधार एक जाति हो और एक परिवार हो, जो अपने सभी पदों को सिर्फ अपने परिवार को देना चाहती हो, उसको जनता कभी भी पर नहीं बिठा सकती है। इसलिए आप जो है अपने नहीं, जनता ने उनको देखिए एक बार बिठाया था सिर पर, एक बार बिठाया था, फिर उनका काम बोल नहीं पाया, काम बोल गया, अब आपका काम कितना बोलेगा ये भी जनता ही तय करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आकाश भाई आपका, कपीश भाई आपका, अब्बास सदर आपका और शैलेंद्र दुबे जी आपका भी। तो 2022 के लिए सभी ने चुनावी कमर कस लिया है, प्रियंका भी आने वाली है, मोदी साहब पहुंचे हुए हैं, ओवैसी आ चुके हैं, मायावती क्या कर रही हैं ये भी देखने वाली बात है, और समाजवादी पार्टी सड़क पर है, जनता सबको देख रही है और सबको आंकने की तैयारी में है। नमस्कार।